आज चौथा दिन है कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी हिता भय प्रद मनिंदित मंगी पद्म संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पुताए मानम अभिनम्य जिनेश्वर से स्वयं सुर गुरुर्गरिमा वहां पर रत्न राशि को गिनने में जैसे कोई समर्थ नहीं हो सकता,
वैसे ही आपके गुणों को गिनने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। फिर पांचवें काम में अपन ने देखा था कि भगवान मैं आपके स्तवन के लिए उद्यत हुआ हूं जड़ बुद्धि होकर के, और आप असंख्यात शोभायमान गुणों की खान है। यहां पर असंख्य शब्द के साथ में अपन ने असंख्यात ना लेकर के इस भाव को लिया है कि जिसका की व्याख्या नहीं किया जा सकता, यानी अकथनीय आपके गुण हैं, आप उनकी खान है, और फिर भी मैं आपका स्तवन कर रहा हूं जड़ बुद्धि होकर। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई बालक से जब पूछा जाता है कि समुद्र का विस्तार कितना है, तो अपनी दोनों बाहों को फैला करके क्या विस्तार को नहीं कहता, अवश्य ही कहता है, इसी प्रकार से मैं भगवान आपका स्तवन कर रहा हूं। यहां अपनी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी हम वहां पर अपना स्तवन या कोई भी पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर है। जब मुनिराज के ऊपर सिंह आक्रमण करने के लिए जाता है तो शूकर जानता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन वो अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए, बल्कि कम शक्ति भी है, फिर भी वहां पर वो अपना पुरुषार्थ अवश्य करता है। इसी प्रकार से भक्तावर का वो काव्य कि हिरणी अपने शिशु को बचाने के लिए सिंह के सामने भी जाकर के खड़ी हो जाती है, वो मेंढक अपने मुख में पापड़ी लेकर के भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो सभी जीव अपनी अपनी सामर्थ्य नहीं होने पर भी जितनी उनकी क्षमता है उतना तो वो प्रयास अवश्य करते हैं। इसी भाव को लेकर के यहाँ पर कि मैं आपके स्तवन करने में भले ही जड़ बुद्धि हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ तो यहाँ पर स्तवन करने का प्रयास उस बालक के समान ही कर रहा हूं जो अपनी दोनों बाहों को फैला करके और समुद्र के विस्तार को कहना चाहता है। अब अपन छठे काव्य से प्रारंभ करते हैं। पहले अपन गद्य के रूप में इसको पढ़ेंगे। ये योगी नाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः, जाता तदेव मसि मीक्षित कारितेयं, जाता तदेव मसि मीक्षित कारितेयं, जल्पन्ति वा निज गिरा अनुपक्षिणोऽपि, ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः, जता तदेव मसि मीक्षित कारितेयं, जल्पन्ति वा निज गिरा ननुपक्षिणोऽपि, योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः, जता तदेव मसि मीक्षित कारितेयं, जल्पन्ति वा निज गिरा ननुपक्षिणोऽपि, इस छठे काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि योगिनाम अपि न यान्ति गुणास्तवेश,
बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का पार नहीं पाओ। पहले भी बताया था कि भगवान के अनंत गुण हैं और अनंत गुणों का पार अनंत ज्ञानी ही पा सकता है। जब तक चार ज्ञान के धारी हैं तब तक उनके गुण का पार पाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों को प्राप्त, आपके गुणों के अंत को प्राप्त नहीं कर पाते। वक्तुम भवति तेषु ममावकाश, फिर उन गुणों को कहने में जब बड़े बड़े योगी समर्थ नहीं हुए हैं तो फिर वहां पर मेरा कैसे अवकाश हो सकता है। अवकाश शब्द का अर्थ वैसे किसमें आता है, अवकाश का अर्थ क्या होता है? खाली स्थान या छुट्टी के रूप में भी आता है, अवकाश चल रहा है। तो यहां पर वो अवकाश का अर्थ जैसे उसमें आता है ज्ञानं यथा त्वयि विभातिकता अवकाश, जिसने सब कुछ व्याप्त कर लिया है। तो यहां उसी अर्थ में यहां पर है कि वहां पर मेरा कैसे प्रवेश हो सकता है। जहां पर बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं हुए हैं वहां पर वक्तुम कथम भवति तेषु, उस विषय में मेरा कैसे प्रवेश हो सकता है, मैं वहां पर कैसे अवकाश प्राप्त कर सकता हूं, मैं कैसे उस जगह को व्याप्त कर सकता हूं। और फिर कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जाता तदेवम असमीक्षिता कारिता नियम, ये जो कार्य मैंने पहले दूसरे काव्य में संकल्प के रूप में कह दिया कि बृहस्पति भी सुर गुरु भी जिनके गुणों का वर्णन नहीं कर पाए हैं मैं उनके गुणों का वर्णन करूंगा, ऐसा मैंने दूसरे काम में संकल्प के रूप में कह तो दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है जब बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का पार नहीं पा सकते हैं फिर मेरा प्रवेश वहां पर नहीं होगा, तो ये कार्य मैंने बिना विचारे ही प्रारंभ कर दिया। अब बिना विचारे प्रारंभ कर दिया तो क्या बंद कर दो? नहीं। फिर कह रहे हैं आचार्य महाराज जलपंति वा निज गिरान अनुपक्षी होती, पक्षी भी जो है अपनी अपनी वाणी से भले ही उनके पास में शब्दों को उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं हो लेकिन कुछ ना कुछ तो वो वहां पर चीची करके कुछ ना कुछ तो शब्दों का वहां पर वो विस्तार करते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास में वैसा ज्ञान नहीं है कि आपके गुणों को हम कह सके, लेकिन फिर भी पक्षियों के समान हम थोड़ा बहुत तो प्रयास अवश्य ही करेंगे, यानी हम प्रयास से पीछे नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात कि आचार्य महाराज ने, क्योंकि यदि व्यक्ति ऐसा सोच ले कि अब ये हो ही नहीं सकता तो फिर वो प्रयास नहीं करेगा। लेकिन अपने जैन दर्शन में जैसे बताया था कि मालूम है कि सामने वाले की मृत्यु हो सकती है बल्कि निश्चित ही है, लेकिन फिर भी उसको बचाने का प्रयास तो अपने लिए करना ही चाहिए, वो अपनी करुणा की परीक्षा लेने वाली बात है। इसीलिए आचार्य जी ने जो हाइकु लिखा है कि पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा ले। तो इसी प्रकार के भावों को कि जितनी भी सामर्थ है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें अपना पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। अब यहां एक जो शब्द दिया है असमीक्षिता कारिता, जहां मानदंडों का वर्णन आता है वहां पर उसमें अतिचारों में आता है असमीक्षाधिकरण, उसका अर्थ ये होता है बिना विचारे कोई कार्य को प्रारंभ कर देना। जैसे उसमें अनदंड के रूप में दिया है, जैसे जितने घर में आवश्यकता है उतना तो आप यदि संग्रह कर रहे हैं उसका तो ठीक है, जितनी आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा यदि आप संग्रह करेंगे तो बिना प्रयोजन के आपको पाप का भाग मिलेगा, उस दृष्टि से वहां पर लिया है। लेकिन यहां पर इस काव्य में तो कि मैंने ये कार्य जो है बिना विचारे प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अब उसमें प्रारंभ करने के बाद में जिस प्रकार से पक्षी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी वाणी निज गिरा, गिरा शब्द होता है वो वाणी के लिए होता है, तो जैसे वो अपनी वाणी से कुछ ना कुछ कहने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार से मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पुरुषार्थ अवश्य करूंगा, ऐसा भाव इस काव्य में। अपने जो पहले उदाहरण लिए थे उन्हीं को उदाहरणों को अपन यहाँ पर इस काव्य में भी जोड़ सकते हैं
कि सामने वाले की सामर्थ्य बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उससे भी हम वहां पर अपने करुणा के कारण, अपनी जो दया के भाव है उनके कारण में, उसमें बचाने का प्रयास करें, निमित्त बनने का प्रयास करें। और निमित्त बनना ही केवल हमारे हाथ में है। सामने वाले का जैसा भवितव्यता होगी, उपादान होगा, वो उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारे हाथ में तो केवल निमित्त का कार्य है, तो उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये भी अपन इसके साथ में ले सकते हैं। अकल हमने आपके लिए ज्ञानाचार के पहले अंग को बताया था। जैसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उसमें सबसे पहला था शब्दाचार। हाँ, जो शब्द जैसा है उसका वैसा उच्चारण करना, ये शब्दाचार है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कौन सा शब्द कैसे उच्चारण होता है, क्योंकि बुंदेलखंड का प्रभाव है हम लोगों के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे अक्षरों का, जैसे प्राकृत में 3 शा नहीं होते, वहां पर एक ही सा होता है, ऐसे ही हम लोगों ने बुंदेलखंड में भी केवल एक सा पकड़ रखा है। बोलेंगे कि हम शादी में जा रहे हैं, और सामने वाला भी समझ जाता है कि शादी तो कुछ होती नहीं है, शादी होती है। तो ऐसे जो है शब्दों के प्रयोग में अपने लिए जहां पर जो शब्द लिखा है उसको वैसा उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये शब्दाचार, कौन कौन से अक्षर कहां कहां से उच्चारित होते हैं। कुछ अक्षर कंठ से निकलते हैं, कुछ अक्षर दांतों पे एक के स्पर्श से निकलते हैं, कुछ तालु पर निकलते हैं, कुछ होठों से निकलते हैं। तो ऐसे सबका जो है ध्यान रख करके उन शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करना। तो इसके माध्यम से हमने बताया था कि संस्कृत में और हिंदी के यदि शुद्ध उच्चारण पर यदि ध्यान दें, तो उससे अपने दोनों माइंड की, दोनों तरफ के जो है एक्सरसाइज उसके माध्यम से हो जाती है। इसलिए इसमें जब भी पाठ करें तो उसमें अपने शरीर का भी जो है स्वास्थ्य उसके साथ साथ में सुधरता है। तो इसलिए अपने लिए जब भी अपन पाठ करें, इसमें अपने यहाँ पर आमनाय नाम का स्वाध्याय कहा जाता है, शुद्ध घोष परिवर्तनम आमनाय, यानी शुद्ध उच्चारण करते हुए पूजा भी करते हैं अपन, पूजा की पंक्तियां जो है भले ही याद हो गई है, लेकिन फिर भी अपने को पुस्तक सामने रख करके जो नमोकार मन से लेकर के नित्या प्रथम पाद तक का जो पाठ है वो मूल पाठ भगवान की आराधना की वही है, जहां पर मंत्रों को उच्चारण किया जाता है अर्घ चढ़ाते समय में, वो भी जो है मूल है। पंक्तियां तो केवल मन लगाने के लिए लगाई गई, तो इस प्रकार से दीपनों का करें तो वो हो जाएगा शब्दाचार। दूसरा अर्थाचार, अर्थाचार में उसके अर्थ की ओर भी दृष्टि रहे। कई कई लोगों का ऐसा होता है कि उनके मुख से उच्चारण अच्छा नहीं होता, अर्थ समझ लेते हैं। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि उच्चारण बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन अर्थ समझ में नहीं आता है। तो ये क्षयोपशम की जैसे जिसका क्षयोपशम होता है, और कई लोगों में दोनों में महारत होती है, और कई लोग दोनों में ही अपने ज्ञानावरणी के क्षयोपशम के अनुसार नहीं कर पाते। तो शब्दाचार, फिर अर्थाचार, और इसके बाद में उभयाचार, जिसमें कि दोनों में एक साथ में लेकर, इसके बाद में बहुमानाचार, बड़े बहुमान के साथ में अपने को शुद्ध का अध्ययन करना चाहिए। सोचना चाहिए कि उन आचार्य महाराज ने कैसे कैसे जो है अपने शुद्धोपयोग में समय ना दे करके हम लोगों के कल्याण के लिए समय निकाल करके इन रचनाओं को किया। और उस समय में जैसे बताया था कि कुमुदचंद्र आचार्य महाराज के सामने में कहीं पर राज दरबार में ऐसी परिस्थिति बनी थी कि उनको जैन धर्म का महात्म्य वहां पर दिखाना पड़ा था। तो ऐसे सब चीजों को यदि ध्यान रखकर यदि पाठ करते हैं तो भगवान अपने मन, आप ही मन में प्रकट होता है। बड़े बहुमान के साथ में इसका अध्ययन करना चाहिए। फिर इसके बाद में कौन सा आता है, उपधानाचार। ऐसे आगे पीछे भी हो सकता है क्या? उपधानाचार का अर्थ क्या है कि ऐसा ना हो कि आगे आगे पाठ होता जाए और पीछे पीछे सपाठ हो जाए, यानी उसको पीछे का भी जो ध्यान में रख करके, जैसे कोई भी पाठ पढ़ते हैं, कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं, यदि उसको एक एक दो दो काव्य को ले रहे हैं साथ साथ में याद कर लेते हैं तो अपन उसको याद भी कर सकते हैं, और उनको यदि अपने लिए समय मिलता है तो अपने उंगलियों के पोरों पर उसको रख करके उसको इस प्रकार से बिठा लेना चाहिए कि अपन यदि चाहें। कई कई बार ऐसा होता है कि हम जब पाठ करते हैं, जैसे कोई बोले कि भक्तावर का 6 काव्य बोलो, तो उसमें पहले से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर 6 पहुंचेंगे।
तो ऐसा ना हो, सीधा अपन छठे पे पहुंच सके, तो वो तभी हो पाएगा जब अपनी उंगलियों पर बैठे हो, उसमें भी आगे पीछे, जैसे अनुपूर में मणोकार मंत्र सीधे सीधे पढ़ने की आदत पड़ जाती है तो फिर उसका जो है अपन ध्यान नहीं रहता, और कई काम चलता रहता है। यदि उसको अनुपूर्वी के रूप में करें, नमो हरिहंताणम, नमो हरियाणम, नमो लोहि सुषणम, नमो जैनम, नमो सिद्धाणम, ऐसे भी पाठ करें तो अपने यहां भी मन जो है कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर रह जाएगा। इसी प्रकार से अपने इनको उंगलियों पर भी पोरों पर जो है इनको बिठा करके याद कर सकते हैं। तो उपधानाचार इसका दूसरा अर्थ भी है कि साथ ही साथ में कोई नियम लेकर के किसी चीज का त्याग करके कोई ग्रंथ का विस्तार ना चाहिए, जिससे कि माध्यम से उसके प्रति अपना जो है ध्यान बना रहे कि हमें ये ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, हमने किसी चीज का त्याग किया, ये भी उपधानाचार के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में अन्य निवाचार, आगे पीछे चल रहा है, अन्य निवाचार का अर्थ है कि किससे अपन ने अध्ययन किया, गुरु से, और किस पुस्तक से पढ़ा, इनका नाम नहीं छिपाना। कई बार होता है कि लोग अध्ययन करने के बाद में ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमने जो है हमको तो पहले ही आता था, ऐसे भाव भी मन में अहंकार के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा भाव नहीं, जिनसे अपन ने अध्ययन किया है उनके नाम को कभी भी भूलने नहीं, कृतज्ञता का भाव बना रहे। आचार्य एक हुए हैं, उनकी कथानक में कहीं पर आया है ऐसा कि भगवान महावीर के समोषण में एक मुनिराज वहां पर पहुंचे और वहां पर समोषण से निकल करके बाहर कहीं बैठे हुए थे और उनसे राजा क्षणिक मिलते हैं और राजा क्षणिक पूछते हैं कि आपने किससे अध्ययन किया है। तो उस समय में उन्होंने अपने गुरु का नाम छिपा लिया और कह दिया कि हमने तो भगवान महावीर से पढ़ा, और उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि उनका पूरा शरीर बिल्कुल श्याम वर्णीय हो गया, पूरा काला पड़ गया। और राजा श्रेणी को जब दिखा वो, तो उन्होंने जाकर के गणधर स्वामी से पूछा और गणधर स्वामी ने कहा कि इन्होंने निन्नव किया है, अपने गुरु का नाम छिपाया। फिर राजा श्रेणी ने उनका स्थितिकरण करने के लिए उनको मार्ग बताया और उन्होंने जाकर के प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित देने के बाद में फिर उनका वैसे का वैसा शरीर हो गया और बाद में उन्होंने निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया। तो ये अन्य निर्वाचन लौकिक में भी ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं कि जहां पर गुरु का नाम छिपाना अच्छा नहीं माना जाता। एक नट था जो खेल दिखाता था, अब खेल देखने वाले लोग वही वो खेल दिखाएंगे तो कहां तक आएंगे, तो उसने सोचा कुछ नया खेल बनाया जाए। तो उसने खेल बनाया कि जो छुरी थी वो ऊपर उछालता था और उसको अपने दांतों के माध्यम से झेलने का प्रयास करता था। तो और वो जो छुरी जो थी वो बिना फलक की थी, यानी उसमें लकड़ी ही लगी रहती थी, केवल लोहा लोहा रहता था, यदि थोड़ा सा छुप जाए तो वो गले में उतर जाएगी और मृत्यु हो जाएगी। तो सब लोगों को ऐसे आश्चर्यजनक कार्य में बहुत आनंद आता है, तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, उसको बहुत सा पैसा मिलता था। एक दिन किसी ने पूछ लिया कि तुमने नया खेल कहां से ईजाद किया, तो उसने कह दिया कि मैं ये तो मेरी मन के द्वारा मैंने इसको बना लिया है। और अगले दिन जब वो वहां पर उस छुरी को उछाल रहा था और उसकी छुरी को वो दबा नहीं पाया तो उसकी जीभ जो है वहां पर कट गई। तब उसकी पत्नी वहां पर रोकर के कहने लगी कि इन्होंने अपने गुरु का नाम छिपाया है, इसके कारण में इसको ऐसा जो है दंड मिला। पूछा फिर उससे, तो उसने बताया कि एक पक्षी था, वो पेड़ से फल टूटता था तो जाकर के उसको वो माने खा लेता था, उसको नीचे गिरने के पहले ही अपनी चोंच में दबा देता था। उसको देख करके इन्होंने कि हाँ अपन ऐसा काम अपन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अन्य निवाचार। एक होता है कालाचार। कालाचार का अर्थ होता है, वैसे तो सिद्धांत ग्रंथों के लिए बताया है कि जो संध्या काल रहते हैं उस समय में सिद्धांत ग्रंथों का वाचन नहीं करना चाहिए। सूत्र ग्रंथों का वाचन भी सिद्धांत जो संधि काल होते हैं उस समय में नहीं करना चाहिए। और जो कालाचार का अर्थ अपन ऐसा भी ले सकते हैं कि कई लोगों को जो है स्वाध्याय स्वाध्याय में ज्यादा रुचि रहती है, बाकी कार्यों में बाकी जो कर्म है षटकर्म उसमें रुचि नहीं रहती है, तो सब कर्मों के लिए
अपना जो है काल का विभाजन सही प्रकार से करना, यानी पूजा के लिए समय दे तो पूजा के लिए, दान के लिए तो दान के लिए, स्वाध्याय के लिए तो स्वाध्याय के लिए, सबका जो है विभाजन सही तरीके से करना, ये भी अपन कालाचार के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद में है विनयाचार, बड़ी विनय के साथ में, विनय के साथ में और बहुमान में, भगवान में जैसे शास्त्र लाते हैं वो एक उसका हो गया, और विनय जो है यहाँ पर जो शास्त्र के प्रति गुरु के प्रति जो है भगवान के भाव है, और बड़ी विनय के साथ में एक एक जो पंक्ति को अपने हृदय में धारण करना वो कहलाता है विनयाचार। इसीलिए एक कारिका आती है विनयेण सुनमदीदम यदि पमादेण विसरिदम, यदि विनय के साथ में जो उसको ग्रहण किया गया है प्रमाद के साथ में यदि भूल भी जाए तो उसमें लिखा है कि वो परभव में जो है पुनः प्राप्त हो जाती है, और केवल नाणम च आहवयति, केवल ज्ञान को बुलाने की सामर्थ्य रखती है। तो बड़ी विनय बड़े बहुमान इन दोनों के साथ में तो पूरे हो गए कि नहीं हुए, कुछ बचा है? सद्दाचार अर्थाचार उभयाचार कालाचार विनयाचार उत्थानाचार बहुमानाचार और अन्य नवाचार पूरे उपधानाचार, उसमें इसकी धारणा बना करके आगे आगे। अब इसका जो अध्ययन वाला अपन देख लेते हैं, जिसमें अपन ने भाव को देखा था कि बड़े बड़े योगी भी जिस विषय में प्रवेश नहीं कर पाए, आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं हो पाए, उस विषय में भगवान मेरा कैसे प्रवेश हो सकता है, और ये कार्य मैंने बिना सोचे समझे प्रारंभ कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार से पक्षी अपनी वाणी के माध्यम से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, वैसे मैं भी आपके स्तवन करने का प्रयास अवश्य करूंगा। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला, वहां पर अपने को थोड़ी सी श्वास को छोड़ देना चाहिए।
और उसमें ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर दीर्घ है तो वहां पर दीर्घ का उच्चारण हो, लघु हो तो लघु का उच्चारण हो। जैसे यहां पर आ रहा है पीड़ा ति पद्म सरस सरसो निलोपी, पढ़िए। हाँ, अभी आवाज ऐसी आ रही है पीड़ा ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। सरसा नहीं है वहां पर, आ की मात्रा नहीं है वहां पर, आग छोटे आग के साथ में विसर्ग है। तो पीड़ा ति पद्म सरस सरस सह मतलब वहां पे अपने को सांस को छोड़ देना। संस्कृत में कामा नहीं होता, संस्कृत में विसर्ग ही कामा का कार्य करता है। वहां पे अपनी सांस को अपन थोड़ा सा छोड़ देंगे तो विसर्ग हो जाएगा। पीड़ा ति पद्म सरस सरसो निलोपी। आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। आचार्य महाराज कह रहे हैं जिन भगवान का संबोधन जयती जिना, जिन्होंने जीत लिया है, सबको जीत लिया है, यानी अंतरंग शत्रु बाह्य शत्रु सब पर विजय जिन्होंने प्राप्त कर ली है, उनके लिए जिन संबोधन अचिंत्य महिमा ते संस्तवा आस्था, जिसकी अचिंत्य महिमा है जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, आपके संस्तवन यानी विशेष रूप से जो स्तोत्र आदि होते हैं आस्थान यानी दूर रहे वो तो छोड़ो। नाम अभी पाती भवतः नाम अभी पाती, आपका नाम भी रक्षा करने वाला होता है। जगंती और भवतो शब्द दूसरी बार भी दिया है, अभी हमने पहले भी अपने काम में देखा था अलंकारों के बारे में चर्चा आई थी कि जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहां पर यमक अलंकार है, इस काव्य में देख के ही समझ में आ जाता है शब्द अलंकार जो होते हैं वो वहां पर देख के ही समझ में आ जाता है कि यहां पर यमक अलंकार है। अर्थालंकार समझ में नहीं आते, अर्थालंकार अर्थ पर जब दृष्टि डाली जाती है उस पर तब वो समझ में आते। जैसे विरोधाभास अलंकार होता है उसको जब अपन समझते हैं तो यहाँ तो विरोध है तब समझेंगे अर्थ को कब आएगा, लेकिन इसको देखते ही समझ में आ जाता है। कोई भी बच्चा जो अक्षरों को जानता है वो कह सकता है कि ये दो बार आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर यमक अलंकार है। तो इसमें दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग है, एक भवतो का अर्थ है भवतः यानी आपके लिए, भवतः नाम भी पाती आपका नाम भी रक्षा करता है, जगंती यानी जग के जीवों की रक्षा करता है, और भवतः यानी भव से आपका नाम भी रक्षा करता है, ऐसा इसमें अर्थ मिलेगा। फिर उदाहरण दे रहे हैं आचार्य महाराज, हर काव्य में उदाहरण देकर के समझाते हैं। तीव्र आतप उपहत पांथ जनान निदागे, तीव्र आतप गर्मी के समय में जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो आतप कहलाता है,
उपहत उसके द्वारा पीड़ित है। पांथ जनान जो रागी है निदागी यानी ग्रीष्म ऋतु में, जेठ की ऋतु जो है उसमें, तो बड़ी तीव्र आतप के द्वारा जो थक गए हैं गर्मी के कारण, परेशान हैं और वो चल रहे हैं रास्ते में, उनके लिए पद्म सरसा सरसा अनिल अभी पीड़ाती। अब यहां पर भी सरसा सरसा शब्द दो बार आया, तो ये सरसा शब्द भी जो है यहां पर ये भी यमक अलंकार को ही बताने वाले हैं। तो एक पद्म सरसा यानी पद्म सरसे यानी सरोवर से, सरसा अनिल अपी, सरस अनिल सरस वायु, एक गीरस वायु यानी जिसमें कोई रस नहीं है यानी सूखी वायु, और सरस वायु यानी ठंडी ठंडी वायु। तो पीड़ा की तालाब तो दूर रहे, तालाब के यहां से आने वाली ठंडी ठंडी वायु भी वहां पर जैसे गर्मी के समय में उसके लिए शांति प्रदान करने वाली होती है, ऐसे ही भगवान आपका अचिंत महिमा वाला संस्तब तो दूर रहे, आपका नाम भी जो है संसार में रक्षा करने वाला। तो ये काव्य जैसे कि भक्तावर में भी आता है, आस्था वाला उसी आस्था सत से प्रारंभ होता है उसमें, कि सूर्य तो दूर रहे, सूर्य की प्रभा भी कमलों को खिला देती है। इसी प्रकार से इस काव्य में भी यही भाव है। अब यहाँ पर मैंने पहले जो यमक अलंकार के बारे में देखा था उसमें हमने एक आपको उदाहरण सुनाया था, हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और हरि को लख हरि हरि भये जय हरि भये उदास। हरि शब्द है, जब तक जिसका जिसको अर्थ मालूम नहीं होगा वो नहीं निकाल सकता। इसमें एक हरि का अर्थ है मेंढक और एक हरि का अर्थ है सांप। तो हरि बोले यानी मेंढक बोला तो सांप उसके पास गया, और हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और हरि को लग हरि हरि भय, जैसे ही उसने देखा सांप आ रहा है तो वो पानी में डुबकी लगा दी, यानी हरि भय यानी अंतर्धान हो गया, गायब हो गया, और जे हरि भय उदास। ऐसा ही एक उदाहरण है, सारंग ने सारंग गयो, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आए, और जो मुख से सारंग कहे मुख को सारंग जाए। सारंग शब्द में यहां पर जो है यमक अलंकार, तो सारंग ने सारंग गयो, यहां पे भी एक सारंग का अर्थ होता है मयूर और एक होता है सर्प। तो सारंग ने सारंग गयो ने उसने मयूर ने सर्प को पकड़ लिया। जो मयूर होते हैं वो सर्प को, सर्प के दुश्मन होते हैं, तो सर्प को उसने पकड़ लिया। तो सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आए, उसी समय में गर्जना होने लगी। तो जो बादलों की गर्जना है उसको भी सारंग कहा जाता है, और जो मुख से सारंग कहे मुख को सारंग जाए, जो मयूर की आवाज होती है वो भी सारंग कहलाती है। यानी यदि मुख से वो जो तेजी ध्वनि होती है ना, मयूर की ध्वनि आती है जो जब बरसात की समय रहता है उस समय, वो आवाज को भी सारंग कहा जाता है। तो यदि वो सारंग का वहां पर उच्चारण करेगा, अपने मुख से बोलेगा कुछ, तो मुख का सारंग जाए, क्योंकि मुखरेगा वो सांप छूट जाए। तो जैसे सारंग शब्द के साथ में ये होती है। तो ये यमक अलंकार यहाँ पर दिया है। एक हमने पहले बताया था कि धनंजय कवि का जो द्विसंधान महाकाव्य है उसमें एक ही श्लोक का दो अर्थ निकलता है, एक रामायण और एक महाभारत। एक विद्वान आया राजा के पास में और राजा से कहा कि राजा मैं एक श्लोक सुनाते हैं, आप उसका अर्थ करें। श्लोक सुनाया कि काला भी है सफेद भी है, और जिसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, और जिसको सब लोग अच्छा चाहते हैं। तो राजा ने कहा ये तो पत्र है, क्योंकि पत्र सफेद भी होता है और काला भी होता है। फिर जिसके पैर नहीं होते लेकिन कहां कहां से पत्र आ जाता है, और सब लोग पत्र की के पत्र प्राप्त हो उसकी भी सम्मान करते हैं। फिर राजा ने अर्थ बता दिया, फिर विद्वान दूसरे के पास गया, मतलब रानी के पास। रानी से कहा कि इसका अर्थ बताओ, तो रानी ने कहा कि नेत्र, नेत्र सफेद भी होते हैं और काले भी होते हैं। नेत्रों की भी पैर नहीं होते लेकिन नेत्र कहां कहां तक
दृष्टि कहां कहां तक चली जाती है। और सब लोग चाहते हैं कि बड़े लोगों की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, सब उसको मानते हैं। फिर इसके बाद में राजकुमार भी विद्वान था, उससे पूछा तो उसने कहा इसका अर्थ है पासे। पासे जो है सफेद भी होते हैं और उसमें काली बिल्ली भी होती है, पासों में भी वहां पर जो है पैर नहीं होते लेकिन पासे भी चलते हैं। और पासे सब लोग चाहते हैं कि अच्छे पासे प्राप्त हो जाए। फिर इसके बाद में रानी, फिर जो है राजकुमारी से पूछा तो राजकुमारी ने कहा इसका अर्थ है बादल। बादल बादल सफेद भी होते हैं और काले भी होते हैं, बादलों के पैर नहीं होते लेकिन बादल कहां कहां से आ जाते हैं, मानसून कहां से आता है। और सभी लोग जो है बादलों की मांग करते हैं कि अच्छी बरसात हो इसलिए बादल आए। तो एक लोग के चार अर्थ, तो ऐसी जो यहाँ पर जो स्पेस के माध्यम से अर्थ निकलता है वो यहाँ पर यमक अलंकार कहलाता है। अब यहाँ पर देखें कि भगवान का नाम भी रक्षण करने वाला होता है। एक उदाहरण राजस्थान से जयपुर से महावीर जी के लिए पदयात्रा प्रारंभ हुई थी, बहुत पहले की बात है। तो उस समय में जब कोई भी चीज प्रारंभ होती है तो छोटा रूप होता है, धीरे धीरे करते करते जब गंगोत्री से गंगा निकलती है तो बिल्कुल नाली के रूप में रहती है और आगे आगे उसका रूप जो है विस्तृत हो चला जाता है। तो उस समय पहली बार जब वो निकले तो 10-15 लोग निकले और कहां कहां रुकना है सारी उनकी व्यवस्थाएं चल रही थी। और एक जगह पर वो जो है जहां पर पहुंचना था वहां पर अंधेरे के पहले नहीं पहुंच पाए, अंधेरा हो गया, पहले इतने ज्यादा साधन भी नहीं थे तो वो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब जगह रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं, कैसे आगे बढ़े। तो उन्होंने एक जगह पर एक टीले पर वो लोग सब लोग बैठ गए। अब महावीर जी की यात्रा पर जा रहे हैं तो महावीर भगवान ही अपने सहारे हैं और इनका नाम केवल अपने लिए कुछ प्रदान कर सकता है, संरक्षण दे सकता है। तो सब लोग भगवान महावीर का ही वहां पर नाम जपने लगे और थोड़ी देर में वहां पर एक ऊंट गाड़ी निकली। तो उन्होंने पूछा कि भैया हमको यहाँ पर एक बाड़े में जाना था और अंधेरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा वो बाड़ा कितनी दूर है, तो वहां से आवाज आई कि पीछे आ जाओ। और वो लोग पीछे पीछे चलने लगे, मुश्किल से एक फलांग दूरी वो बाड़ा था और वो बाड़े में वो ऊंट गाड़ी निकल गई। ये लोग जब वहां पर पहुंचे तो देखा दरवाजा पूरी तरह से बंद और ऊंट गाड़ी निकल के गई है, दरवाजा खुला होगा तब तो निकलेगी, लेकिन वो ऊंट गाड़ी निकल करके चली गई और दरवाजा कर ऐसा कर ऐसा था। तब समझ में आया कि कोई दिव्य शक्ति ने आकर के उनको मालूम। तो ऐसे जो है कि अचिंत महिमा वाला आपका संस्मरण तो दूर, आपका नाम भी जो है रक्षण करने वाला होता है। इसी प्रकार से उनकी उसी में घटना घटी कि एक जगह पर कुंड था, मोरा नाम का गांव था, वहां पर कुंड था। तो सुबह के समय में वो लोग वहां पर गए, सोचा यहाँ नहा लेते हैं, भोजन वगैरह बनाएंगे। और उस कुंड में नहाते नहाते वहां के गांव के लोग भी नहा चुके थे, वो लोग बाहर निकल गए थे। और एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा लग रहा है कोई पानी के नीचे फंसा हुआ है। तो उस गांव का जो सरपंच था उसने कपड़े पहन लिए थे, उसने ठंडी थी कपड़े उतारे और जल्दी से नीचे जा करके वहां पर जो नीचे फंसा था उसको नीचे से निकाल करके ले कर गया। और उस समय में उसका जो है चेहरा बहुत विवश हो चुका था, आंख से खून निकल रहा था, पानी तो अंदर चले गया, बिल्कुल एकदम आंखें फैली हुई थी। और उस समय में वो कहने लगा कि वो तो ले लिया ऐसा करके, जो भी शब्द उनके यहाँ पे चलता हो, मैंने इसकी बलि ले ली ऐसा करके वो जल्दी से वहां से छोड़ करके चले गए कि अभी पुलिस वुलिस केस बनेगी, पुलिस आएगी, सब लोग बचते हैं। अब यहाँ पर जो लोग थे वो यात्रा करने वाला व्यक्ति था तो वहां पर सारे लोग, उस समय में उनके पास भगवान महावीर के अलावा कोई कुछ सहारा नहीं था। तो उस समय उन्होंने जितना ऊपरी पानी आने निकालने का कार्य था वो तो किया और साथ ही साथ में वहां पर भगवान महावीर का ही नाम जो है उन्होंने जितना जाप करना प्रारंभ किया। और थोड़ी देर में वो व्यक्ति जो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि इसकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन उसकी जो है सांसें फिर चलने लगी, उठ करके खड़ा हो गया। तब उस समय में वो खबर जो है गांव में भी पहुंची तो गांव के सारे पूरे लोग वहां से आए और उस व्यक्ति के पैर पड़ करके बोलने लगे कि
लिए इस कुंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ऐसी स्थिति होने के बाद में कोई बच गया है, नहीं तो यहाँ पर तो ऐसा है कि इस कुंड में कोई ना कोई ऐसा ही जाता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो काव्य के हिसाब से कहा जा रहा है कि भगवान अचिंत महिमा वाला आपका संस्कवन तो दूर रहे, आपका नाम भी भव में रक्षा करने वाला है। और उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे कोई गर्मी के समय में सूर्य की तेज किरणों के द्वारा जो बहुत श्रांत हो चुका है ऐसा राहगीर, उसके लिए पद्म सरोवर तो दूर, वहां से आने वाली ठंडी ठंडी हवा भी उसके लिए शांति प्रदान करती है। इसी प्रकार से भगवान आपका इस संस्तवन तो दूर, आपका नाम भी संसार में रक्षण करने वाला होता है। अचिंत्य महिमा जिसकी, रहे दूर ही वो स्वर्ण, प्रभु नाम भी जगत से, yeah।
नानापि पाति भवतो भवतो जगन्ति Thank you.